गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वेर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, आर्टिकल्स. क्लियर कि आर्टिकल्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करें, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, कहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल ए, एन और द. क्लियर, कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, थ्री आर्टिकल्स होते हैं. ए एन द आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज इंडेफिनेट और सेकेंड इज डेफिनेट. इंडेफिनेट में टू आते हैं, कौन कौन से? ए और एन. और डेफिनेट में आता है द. क्लियर, आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट. इंडेफिनेट में ए और एन आ गया और डेफिनेट में आ गया द. क्लियर, अभी हम यूज कहां पे करते हैं? ए और एन है जो, इसको हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. क्लियर, फर्स्ट हम ये डेफिनेशन क्या लिखा इसको रीड कर लेते हैं. ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ए और एन को अब सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि ए को जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे हम ए को या फिर एन को यूज करते हैं. क्लियर, वी डोंट से आ बुक्स और एन एप्पल. हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आ बुक्स. क्लियर, आ बुक्स थोड़ी आ बुक होता है. क्लियर, A is used before word starting with consonant sound. A को हम जो consonant sound से start होते हैं वहां पे use करते हैं. अब ये consonant sound कौन से होते हैं? 26 alphabet होते हैं A to Z, जिसमें से 5 को हम क्या count करते हैं? Vowel. Vowel कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. दोबारा से repeat कर देता हूं मैं, कौन कौन से? एक तो हो गया A, सेकेंड ए, फिर आई, ई, ओ, यू, फाइव हो गए. जहां पे इन फाइव का साउंड आए, ए, ई, आई, ओ का साउंड आए, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं. जो रिमेनिंग रह गए 21 वो हो गए कॉन्सोनेंट, जहां पे उनका साउंड आएगा वहां पे हम ए यूज करेंगे. दोबारा से बता रहा हूं आपको, ए हम और एन हम सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज करते हैं. अभी अगर सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, उसमें से हम आप ए कहाँ पे यूज करें, एन कहाँ पे यूज करें? तो एन यूज होता है जहां पे साउंड आए वॉवल्स का. वॉवल्स यानी कि जो फाइव होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, वहां पे हम एन यूज करेंगे, अदरवाइज हम ए यूज करें. क्लियर, वी डोंट से आ ब्रेड. हम कभी ये नहीं कहते कि आ ब्रेड. वी से हम कहते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. क्यों? बिकॉज ब्रेड शुगर, ऑयल, टी, मिल्क, वाटर, कॉटन, गोल्ड, वाटर एटसेट्रा अनकाउंटेबल. ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है. क्लियर, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ए जो आर्टिकल है ना ये यूज नहीं करते. क्लियर हो गया कि ए कहाँ पे यूज करते हैं और एन कहाँ पे यूज करते हैं. द आगे हम डिस्कस करेंगे. क्लियर, जैसे कि आन की एग्जाम्पल और आर्टिस्ट, आ का साउंड आ रहा है आर्टिस्ट. आई, इंक पॉट, वैसे तो आई है लेकिन साउंड किसका रहा है? ई का रहा है, इंक पॉट. क्लियर, एन इंक पॉट. क्लियर, अभी आ गया द. द कहां पे यूज होता है? द इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पर्सन और थिंग्स. एग्जांपल, दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे. किसी चीज को स्पेशल ब्रांड देंगे, सुपरलेटिव डिग्री कितना लास्ट चैप्टर में, उसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है? द. और कहां पे आता है आर्टिकल? कोई माउंटेन्स आ जाए, जैसे कि द हिमालयस, माउंटेन रेंज आ जाए. क्लियर, और कोई रिवर आ जाए, जैसे कि द यमुना, द गंगा. क्लियर, द नील. और कोई होली बुक्स आ जाए, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द बाइबल. क्लियर, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, यानी कॉली पवित्र बुक्स, न्यूज़पेपर का नेम हो. क्लियर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द राजधानी एक्सप्रेस हो गया, ट्रेन्स आ गई कोई स्पेशल, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आ गया फेमस हैं, या फिर कोई यूनिक चीज़ें जैसे कि हमारा सूरज हो, द सन, द मून, द स्टार, द स्काई. क्लियर, इनके साथ क्या आता है? द. अगर आप ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं रूल्स, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जो आर्टिकल की वीडियो बनी है आप वो देख सकते हैं.
और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज पे क्लिक करके आप इसके रूल्स देख सकते हैं। ए का आप यूज होता है द और एन, क्लियर। द का एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, माउंटेन रेंजेस आ गई, कोई रिवर आ गया, होली बुक आ गई, न्यूज़पेपर आ गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ गई, यूनिक जो अलग सी चीज है, क्लियर। उन सभी के साथ क्या यूज होता है, उनके साथ द यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट, सम वर्ड्स स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट बट दे हैव वोवल साउंड, क्लियर। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट उनका जो साउंड होता है वोवल होता है, उसके साथ हम एन यूज करते हैं, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन। एच कंसोनेंट है वैसे तो, लेकिन बोलेंगे हम इसको ऑनेस्ट ओ के साथ, क्लियर। तो क्या आ गया, एन आ गया, क्लियर। आवा क्लियर, इनके साथ एन आ गया, बिकॉज हम साउंड चेक करते हैं कि वोवल का आ रहा है ना कि हम वोवल या कंसोनेंट देखते, क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगा कि ए एन और द को कहां पे यूज करते हैं, इनकी बेस पे ये एक्सरसाइज। फर्स्ट आपने ए और एन में से चूज करना है, क्लॉ सिंपल है, आ क्लॉ, एम एन एम वोवल साउंड आ रहा है, क्लियर। जैसे किटन, कोई वोवल साउंड नहीं, आ किटन। हिंदुस्तान टाइम्स, क्लियर, यहाँ पे आ गया द हिंदुस्तान टाइम्स, द भी था, क्लियर, इसमें आपने चूज करना है। न्यूज़पेपर का नेम आ गया, क्लियर। इस तरह से जो रिमेनिंग रह गया आपने ट्राई करने इनको फिल करने का, क्लियर। हाउस, जैसे कि आ हाउस हो गया, क्लियर। और जो भी है इसके आपने ट्राई करने इसको फिल करने का, जो आपको रूल समझाए उनके बेस पे आई, क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल ए एन द में से यूज करने, फॉर जैसे कि आई हैव डैश बैग, आई हैव अ बैग, ना तो कोई साउंड आ रहा है ना, ये स्पेशल है, क्लियर, जो मैंने द के रूल्स किया, तो क्या गया, अ बैग। एंड अ रेनकोट, और मेरे पास एक रेनकोट भी है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है लेकिन ग्लास तो काउंटेबल है, एक ग्लास, क्लियर, अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड, दिस इज एन आइस, आई आई का साउंड आना, आइस क्यू, पुट द आइस क्यू इन माई लेमोनेड, क्लियर। माई मदर रीड्स डैश नबार टाइम्स डेली इन डैश मॉर्निंग, न्यूज पेपर का नेम है। माई डॉग्स नेम इज गूगल, इट इज इट हैज डैश पप, डैश पप इज 1 month ओल्ड, डैश मिल्क इन डैश ग्लास इज बॉम। दर बोली दिया मैंने, द सन राइजेस डैश ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट, मून इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही वर्क्स एट दिस शॉप फॉर डैश आवर डेली इन डैश इवनिंग, डैश अनकॉर्ड डैश इमेजिनरी एनिमल, क्लियर। अपने इनको फिल करना है आर्टिकल की, कौन सा आर्टिकल काम पे आएगा, क्लियर। डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, वी हैव डैश गार्डन, देर इज डैश गावा ट्री एंड डैश एप्पल ट्री इन डैश गार्डन, लुक एट डैश ब्लैक बोर्ड, डैश मून इज डैश नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश अर्थ, क्लोज डैश विंडोज, देर इज डैश विंडोज इन माई रूम, क्लियर। एक्सरसाइज है 15, अपने फिल कर लेने। नेक्स्ट इज क्रॉस द रॉन्ग आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो गलत लग रहा आपको आपने उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। आई विल कम बैक इन ए आर और एन आर, इन एन आर एच साइलेंट, क्लियर। तो इसको आपने क्या कर देना है, क्रॉस। देर इज आ और द पिक्चर ऑन द वॉल, क्या आएगा इसमें, देर इज अ पिक्चर, क्लियर। नेक्स्ट, ए और द इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन यॉर्क, न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्लियर। फेमस चीज आगे कोई ये समझ लो, क्लियर, यार हिस्टोरिकल जैसे हम मोन्यूमेंट्स होते हैं, इसमें क्या कर द आएगा, क्लियर। ए है जो यहाँ पे रॉन्ग, क्लियर। रिमेनिंग जो रह गया आपने वो फिल कर लेने। वी आर हैविंग और एन में से है पार्टी नेक्स्ट वीक, शट डोर प्लीज, द डैश नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका,
एन एप्पल कहाँ पे गया, अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्लियर, ये रिमेनिंग है जो आपने फिल कर लेने, इजी है। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी सेम आर्टिकल फिल करने हैं, वो ही मैं आपको एक सॉरी इज अ मैजिक वर्ड दैट चेंजेस डैश फ्रॉम टू डैश स्माइल, इट कैन सेव डैश फ्रेंडशिप डियर एंड स्टॉप डैश शेडिंग ऑफ डैश टीयर, क्लियर, ये फिल कर लेने आपने आर्टिकल के साथ। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, जो आपका आर्टिकल का चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, क्लियर, जो आपको एक्सरसाइज गिवन है वो आपने फिल कर लेनी है और जो रूल्स हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं, इज इट क्लियर। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में करने हैं तो अभी आपको इस में एक लिंक मिलेगा यहाँ पे एक वीडियो का, क्लियर, आप उसको पे क्लिक कर सकते हैं, क्लियर, और वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।